जब आप अपत्र दो की गणना करने के लिए ट्रांजेक्ट लाइन पर चल रहे हो और आपकी ट्रांजेक्ट लाइन के बीच रास्ते में कोई खाई हो या कोई बहुत ऊंची पहाड़ी हो या किसी कारण से, ऐसी स्थिति में आपको ट्रांजेक्ट लाइन पर थोड़ा साइड से घूमकर जाना पड़े और आप चाहते हो कि आपके द्वारा थोड़ा साइड से घूमकर जाने पर भी इस इकोलॉजिकल ऐप में ट्रांजेक्ट लाइन का मैप टेढ़ा मेढ़ा न बनकर एकदम सीधा बने, तो इसके लिए जब अपत्र दो की गणना करने के लिए आप ट्रांजेक्ट लाइन पर चल रहे हो और आपको लगे कि आपको इस जगह पर ट्रांजेक्ट लाइन से थोड़ा साइड से घूमकर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप उस जगह तक का जहां आप खड़े हो वहां तक का ट्रैक सेव कर लो। अब स्टॉप बटन पर क्लिक कर इस पपत्र दो से एग्जिट कर लो। अब आप इस ट्रांजेक्ट लाइन से थोड़ा साइड से घूमकर आगे जाकर ट्रांजेक्ट लाइन पर ट्रांजेक्ट लाइन की सीध में जाकर खड़े हो जाओ। अब इस इकोलॉजिकल ऐप को वापस से चालू करें। अब पपत्र दो पुराना ट्रांजेक्ट सर्वेक्षण जारी रखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, तो जहां तक यह मैप आपने लास्ट टाइम सेव किया था वहां से लगाकर अभी जहां आप खड़े हो यहां तक का ट्रैक सीधी लाइन में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, आपके द्वारा ट्रांजेक्ट लाइन पर थोड़ा साइड से घूमकर जाने पर भी ट्रांजेक्ट लाइन का नक्शा एकदम सीधा दिखाई दे रहा है।